जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष और उसके उपाय, इन उपायों को करके आप अपने घर से वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं और शांति रहती है, अनायास धन खर्च होता रहता है या कोई ना कोई बीमार रहता है, तो वास्तुशास्त्र पर आधारित ये टिप्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पहला, यदि घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां हो तो वास्तु के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इससे आपका घर असुरक्षित रहेगा एवं दोनों ओर से आने वाली हवाएं भवन की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगी, जिसके कारण घर का मुखिया आर्थिक समस्याओं से घिरा रहेगा। उपाय पहला, इन दोनों खिड़कियों पर गोल पत्ते वाले पौधे लगाएं। कांटेदार एवं नुकीले पत्तियों वाले पौधे से बचें। दूसरा उपाय, इस स्थान पर मनी प्लांट का पौधा लगाना भी लाभकारी रहता है। दूसरा, भवन के मुख्य द्वार के सामने वृक्ष होना भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना गया है। इससे घर का मुखिया आए दिन बीमार रहता है और परिवार में अचानक समस्याएं भी आ जाती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न होती है। इस पर उपाय पहला, घर के मुख्य द्वार के ऊपर बाहर की ओर अष्टकोणीय दर्पण लगाकर नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है। 2.9 इंच का स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। तीसरा, यदि घर का मुख्य द्वार किसी अन्य निर्माण के कारण अविरुद्ध हो जाए या फिर मकान के सामने किसी दूसरे मकान का निर्माण से घर का मुख्य द्वार ढक जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार के अविरुद्ध होने की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार दूसरे का मकान का कोना मुख्य द्वार को बाधित कर रहा है तो गृह स्वामी को हृदय रोग होने की आशंका रहती है। इस पर उपाय पहला, मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे 6 सुनहरे सिक्के पंक्तबद्ध के रूप में दबा दें। दूसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर 6 इंच की लाल रंग की चेड़ी पट्टी बनाएं। हमारी सनातन संस्कृति को हर घर में पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।